सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट में। इन तीन बैंकिंग स्टॉक के बारे में बोले एक्सपर्ट, तुरंत खरीद ले ये शेयर। तो अगर करूर वैश्य की शेयर प्राइस हिस्ट्री देखें तो यह स्टॉक पिछले एक महीने में तो केवल 2.49% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले तीन महीने में यह अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। तीन महीनों में इस बैंकिंग स्टॉक ने 96% से अधिक रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में इसने 83.48% का रिटर्न दिया है। इसका 52 हफ्ते का हाई 101.70 रुपये और लो 41.75 रुपये है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? करूर वैश्य को लेकर एक्सपर्ट अभी भी बुलिश है। 11 एक्सपर्ट में से 10 इसमें स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह दे रहे हैं, जबकि एक ने भी खरीदारी की सलाह दी है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ने ₹95 टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी है। दूसरा सर कैनरा बैंक शेयर प्राइस हिस्ट्री देखें तो कैनरा बैंक ने पिछले 5 साल में 17.96% का निगेटिव रिटर्न दिया, हालांकि 3 साल में 32% से अधिक रिटर्न देकर निवेशकों को मुनाफा कमाया है। अगर पिछले 1 साल में कैनरा बैंक स्टॉक द्वारा दिए गए रिटर्न की बात करें तो इसने 25% से अधिक रिटर्न दिया है। इसका 52 हफ्ते का लो 171.75 रुपये और हाई 272.80 रुपये है। तो कैनरा बैंक के शेयर खरीदे, बेचे या होल्ड करें के सवाल अगर आपके मन में है तो आप यह जान लीजिए, इस बैंकिंग स्टॉक को लेकर अधिकतर एक्सपर्ट ने तुरंत खरीदने की सलाह दी है। कुल 12 एक्सपर्ट में से 7 ने स्ट्रॉन्ग बाय और 3 ने बाय की सलाह दी है। वहीं अगर जिनके पास ये स्टॉक है उनके लिए एक्सपर्ट ने बेचने और एक ने होल्ड रखने की सलाह दी है। अब तीसरा शेयर है इंडियन बैंक शेयर की प्राइस हिस्ट्री देखें तो इंडियन बैंक का 52 हफ्ते का हाई 217.90 रुपये और लो 130.90 रुपये है। पिछले एक महीने में इसने 10% से अधिक का रिटर्न दिया है, जबकि 3 महीने में 25% का रिटर्न दे चुका है। करीब इतना ही रिटर्न इसने 1 साल में भी दिया है। इंडियन बैंक के शेयर में एक्सपर्ट की क्या राय? तो इंडियन बैंक के शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश है। 9 में से 6 ने स्ट्रॉन्ग बाय और 2 ने बाय की सलाह दी है, जबकि 1 ने इसे अभी होल्ड रखने को कहा है। तो इस तीन बैंकिंग स्टॉक में अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर मार्केट के रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आपको यहाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।